अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम लीगल गाइडलाइंस इन हेल्थ केयर फार्मेसी के लिए या फार्मेसी टेक्नीशियन और असिस्टेंट फार्मास के लिए जो लीगल गाइडलाइंस हैं वो पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं एनी फार्मासिस्ट एक्सरसाइजिंग देयर प्रोफेशनल रोल मस्ट बी रजिस्टर्ड सेफ़ एंड कम्पिटेंट टू प्रैक्टिस यानी कि जो भी फार्मासिस्ट किसी फार्मेसी पर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए और इतना कंपिटेंट हो कि उसको पता हो कि उसने क्या करना है फार्मासिस्ट मस्ट बी अवेयर डेट द पेशेंट इज़ द प्राइमरी फोकस फार्मासिस्ट मस्ट बी ट्रेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन उसको वो ट्रेंड हो और फार्मासिस्ट मस्ट इंश्योर डायट डिस्पेंसिंग इज कैरिड आउट एकोरेटली यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मेडिसन है डिस्पेंसिंग वो एक्यूरेटली की जा रही है ईच प्रस्क्रिप्शन मस्ट बी क्रिटिकली रिव्यूड बिफोर डिस्पेंसिंग टू इंश्योर डेट द मेडिसन एंड सेफ एंड इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट यानी कि कोई भी आपके पास प्रेस्क्रिप्शन आई है तो आपने उसको क्रिटिकली रिव्यू करना है गौर से पढ़ना है कि वो वही मेडिसन दी जा रही है कोई और तो नहीं दी जा रही फार्मास मस्ट कॉन्टेक्ट द प्रेस्क्राइबर रिगार्डिंग मेडिसन एंड पेशेंट इश्यूज़ इफ नीडेड अगर डॉक्टर ने कोई ऐसी मेडिसिन लिख दिया जिससे पेशेंट को उसने आपको आपके बताया कि उससे इसको एलर्जी है या आपको लगता है कि दो ड्रग्स उसके अंदर ऐसी हैं कि एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं तो जो है वो प्रेस्क्राइबर से कॉन्टैक्ट करके इस हवाले से बात करेगा पेशेंट मस्ट बी गिवन कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग दर मेडिसन एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग सो डेट द फुली अंडरस्टैंड वट द मेडिसन इज़ एंड वट इट इज़ फॉर यानी कि पेशेंट को फार्मासिस्ट कम्प्लीटली गाइड करेगा कि ये मेडिसन किस वक्त किस तरीके से लेनी है ताकि मरीज़ को पता चल दे कि ये मेडिसन किस चीज़ के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द सेफ स्टोरेज ऑफ देयर मेडिसन यानी कि उसको स्टोरेज के वाले से भी गाइड करना है पेशेंट को द मेडिसन डिस्पेंस्ड मस्ट बी ऑफ सीइटेबल क्वालिटी फ़िट फॉर यूज सीटेबली पैक्ड एंड लेबल्ड मैनर यानी कि जो मेडिसन उसको दी गई है वो अच्छी क्वालिटी की हो उसके सुइटेबल पैक्ड हो लीक ना हो और उसके ऊपर लेबल भी किया हुआ हो फार्मासिस्ट शुड इंश्योर डेट द नेसेसरी फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स आर प्रेजेंट जो भी फार्मेसी के अंदर नेसेसरी फैसिलिटीज़ हैं जैसे ए सी है टम्परेचर मोनीटर है ये तमाम चीज़ें फार्मेसी के अंदर होनी चाहिए फार्मेसी शुड बी क्लिन एंड वेंगिंग मस्ट बी एकोरेट जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं अगर वेट कर वेट उसका करना है मेडिसिन का तो एकोरेटली उसका वेट किया जाए तो इसके बाद ये कुछ ड्रग्स हैं जिनका यानी कि हर फार्मेसी के अंदर अलहदा इसका यह खाना होता है जिस तरह से नरकोटिक ड्रग्स हैं शुड बी केयरफुली स्टोर्ड बिकॉज द डिमांड ऑफ दिस ड्रग इज़ हाई एंड कुड बी स्टोलन ईजीली यानी कि आसानी से चोरी हो सकती हैं फार्मेसी के अंदर से ही तो इनको जो है अलहदा सेपरेट सेफ खाने में रखा जाए और इसके बाद पॉइजनस ड्रग्स हैं मस्ट बी इन लॉक दिस ड्रग्स शुड बी सोल्ड ओनली टू तो नीडी पेशेंट एंड इट शुड बी कन्फर्म डेट द पेशेंट इज़ वेल अवेयर फ्राम दिस पॉइजनस ड्रग जो मरीज लेने आया है उसको इस पॉइजन के बारे में पता है और वह वेल अवेयर है यह ना हो कि वह खुद इसको गलत मकसद के लिए यूज़ करें ऑन द बॉक्सिस ऑफ पॉइजनस ड्रग देयर शुड बी पॉइजनस रिटर्न यानी कि जो पॉइजनस ड्रग आपकी फार्मेसी पर है उस पर यह लिखा हो कि यह पॉइजनस है रिटर्न विध रेडिंग एंड इन बोल्ट फॉन्ट विद द स्कल एंड बोन पिक्चर यानी कि आप पिक्चर देख रहे हैं इस तरीके से उस खाने के ऊपर निशान होना चाहिए ऑन द लेबल देयर शुड भी एंटीडोट मेडिकेशन रिटर्न फॉर द पर्पज़ ऑफ एमरजेंसी ट्रीटमेंट इफ टेक दिस पॉइजन मिसटेक यानी कि अगर कोई पॉइजनस डगह आप किसी को दे भी रहे हैं तो उसके ऊपर ये लेबल पर लाजमी लिखा हो कि अगर कोई इसको गलती से इस पॉइजन इस को इस जहर को गलती से ले ले तो उसके बाद क्या करना है इसका एंटीडोट क्या देना है से रजिस्ट्रार मस्ट भी यूज फॉर द एंट्री ऑफ सोल्ड पॉइजन इन विच देयर मस्ट भी पॉइजन नेम विद दायर दा नेम एंट्रेड यानी कि जो भी मरीज़ उसको पॉइजनस ड्रग को ख़रीदने आएगा तो उसका आपने सारी डिटेल भी अलीदे से रजिस्टर पर लिखनी है प्रेगनेंसी रिलेटेड ड्रग्स बी केयरफुल रिगार्डिंग द स्टोरेज एंड सेल ऑफ अबॉर्टिफेशन ड्रग्स यानी कि डेट इंड अबॉर्शन जिसकी वजह से जो हम ज़ाया करने के लिए ड्रग्स होती हैं एंड कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग जो बर्थ कंट्रोल के लिए होती हैं दीज ड्रग शुड बी स्टोर्ड इन सेपरेट कैबिनेट रिकॉर्ड ऑफ दिस मेडिसन शुड बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू लॉ इनको अपने अलहदा खाने में रखना है एक्सपायरी कंट्रोल है कीव द ड्रग इन फ्रंट ऑफ शेल्फ विच आर अबाउट टू एक्सपायर ये हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर भी एक लेक्चर में बात की थी कि फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एफ आई एफ ओ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो ये इस रूल के ऊपर आपने करना है कि जो मेडिसिन पहले आई हैं उनको आपने आगे रखना है और जो बाद में आई है उनको आपने पीछे रखना है इसके बाद बिल वारंटी है दिस इज द स्पेसिफ़िक रिटर्न टैक्स बिल विच इज शूड टू द बायर एट द टाइम ऑफ सेल फ्रॉम द होल सेलर और फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी कि अगर आप कहीं पर भी जाएंगे होल सेल पर किसी फार्मेसी पर तो आपको रिटर्न बिल देंगे तो इस बिल की वारंटी होगी अगर आपने वो मेडिसिन चेंज करवानी है तो आप वो दिखा के उसको चेंज करवा सकते हैं तो ये थी आज का लेक्चर उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा मजीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज़